बच्चेदानी में घाव मतलब मेडिकल भाषा में सर्वाइकल कैंसर। यह कैंसर बेहद खतरनाक और जानलेवा। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की माने तो हर रोज 185 महिलाओं की मौत हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। यह आंकड़ा डरावना और भयावह। सबसे चिंता की बात यह है कि महिलाओं की कुल आबादी के 2.6% महिलाएं ही यह जांच कराती है। सर्वाइकल कैंसर से हो रही मौत के आंकड़ों पर अंकुश और बेहतर जांच की सुविधा देने में देश का पहला राज्य झारखंड होगा। झारखंड सरकार ने 11 जिलों में सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच और इलाज की मशीनें लगा दी हैं। वहीं गांव देहात और शहर में रहने वाले 21 से 65 साल तक की लड़की और महिलाओं को इस रोग के बारे में बताया और समझाया जा रहा है। 12 जुलाई से 19 जुलाई तक मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली की गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर कनिका गुप्ता यहाँ के स्त्री रोग विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देगी। 11 सदर अस्पतालों को जाँच और उपचार का मंथली टारगेट भी दिया गया। जहाँ की मशीन काम करना बंद कर दी है उसे फिर से चालू करने का आदेश भी दिया गया। इलाज में अनदेखी और उदासीनता के कारण गोड्डा और गिरिडीह के सिविल सर्जन की क्लास भी ली गई। यह बातें शनिवार को नामकुम के RCH हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छनकर सामने आई। यह आयोजन झारखंड स्वास्थ्य विभाग और IMA विमेंस डॉक्टर विंग के साझा प्रयास से हुआ। एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह, NHM के डायरेक्टर उमा शंकर सिंह, 11 जिलों के सिविल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और अस्पताल प्रबंधन ने आपस में चिंतन मंथन किए। सर्वाइकल कैंसर को रोकने और बचने की तैयारी पर क्या बोले अरुण कुमार सिंह और डॉक्टर भारती कश्यप सुने। झारखंड देश का पहला सर्वाइकल कैंसर मुक्त राज्य बनने की राह पे है। हमारे देश में जिस कैंसर से महिलाओं की सबसे ज्यादा मौत होती है वह है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मुक्त राज्य बनाने के लिए जरूरी है सरकारी अस्पतालों में जाँच और इलाज की मशीनें लगाई जाए, स्त्री रोग विशेषज्ञों को जांच और इलाज का प्रशिक्षण दिया जाए, हर जिला अस्पताल को एक लक्ष्य दिया जाए ताकि वह दूर दराज के इलाके में कैंप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग करे और ज़रूरतमंदों का अस्पताल लाकर इलाज करे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जिस कैंसर से महिलाओं की मौत होती है वह है सर्वाइकल कैंसर। 9 से 25 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के टीके लगाएं और 21 से 65 साल की महिलाओं को समय समय पर पैपस्मियर एवं कॉल्पोस्कोपी से जांच कराएं। तो जब प्री कैंसर के स्टेज में रहता है उस समय अगर क्रायो उपचार कर दिया जाए तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अगर आपको संबंध बनाने समय रक्त स्राव होता है, अगर आपको मासिक धर्म के बीच में रक्त स्राव होता है और अगर आपको मेनोपॉज हो गया उसके बाद भी रक्त स्राव होता है तो यह सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। 185 महिलाएँ प्रतिदिन हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर की वजह से मर जाती हैं। सिविल सर्जन्स अपने जो दायित्व हैं उन दायित्वों के निर्वहन की दिशा में तत्परता बरतेंगे और पूरे समर्पण भावना के साथ कार्य करेंगे और जो कार्य नहीं करेंगे उनको फिर हमको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपड़दार के साथ भावना ठाकुर और राजेश सिंह की रिपोर्ट।